स्वागत आप सभी का नए ब्लॉग में वेलकम है। और इस ब्लॉग में हम देखने वाले हैं उदयपुर में बस स्टैंड के आसपास एक अच्छा सा होटल जहां मैं रुका हुआ हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। और बहुत ही शानदार एक लोकेशन में आपको दिखाने देने वाला हूँ, जिससे यदि आप उदयपुर आते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। एक अच्छा होटल है और रिजनेबल प्राइस है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी इसमें मिलने वाली है। ये उदयपुर सर्किल है और ये सामने का आप देख ले व्यू पूरा, और ये सर्किल, और इधर हम देखेंगे तो ये सामने बस स्टैंड है। यहाँ पर ये पुलिस चौकी है, उदयपुर का पुलिस चौकी, और इधर ही अंदर बस स्टैंड है। हमें यहाँ से इधर से जो ट्रैफिक आ रहा है ये इसमें आगे चलना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस रास्ते में आगे चलना, आप देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इस रास्ते पे हमें ये बिल्डिंग है, यहाँ तक जाना है। यहाँ ये अंदर कट है, यहाँ तक हम जाके अंदर चलना है हमें। आइए आगे चलते हैं। इधर ये उदयपुर सर्किल है, वहाँ से हम चल के यहाँ तक आए हैं और यहाँ से हमें अंदर जाना है इस रास्ते में। आइए अंदर चलते हैं। इस रास्ते पे हमें आगे अंदर बन जाना है। इस गली से हम चल के आए हैं और आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिए पूरा व्यू। और इधर हमें और आगे बढ़ना है इस गली में, ये गाड़ी करी, इससे थोड़ा और आगे तक जाना है। हम इस गली से चल के आए हैं और यहाँ हम बात करें तो ये सामने का नज़ारा आप देख लीजिए। और ये हमारा होटल है, राजपाल पैलेस होटल। ये नीचे का इसका व्यू है, आइए अंदर चलते हैं। और अभी हम रिसेप्शन पे पहुँच गए हैं, ये आप देख लें रिसेप्शन का व्यू। कुछ तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं और ये यहाँ गणपति बापा मौर्या, ये पूरा यहाँ का हिसाब किताब है। मैं आपको यहाँ से मिलाता हूँ। ये भाई साहब यहाँ पर हैं, ये भी हैं जी। नमस्कार, ये होटल का नाम क्या है? होटल राजपाल पैलेस। राजपाल पैलेस होटल, ओके। और कितने कमरे हैं इसमें? 25 है। ओके ओके, एसी नॉन एसी? सर 15 नॉन एसी और 10 नॉन एसी। 10 में एसी है, 15 नॉन एसी है। और प्राइस की बात करें तो क्या? सर सिंगल मेंबर एसी रूम 600, ओके, डबल में 700, ओके, एसी रूम एसी का, ओके। नॉन एसी सिंगल मेंबर 400, ओके, डबल मेंबर 500, ओके। मतलब रीजनेबल प्राइस है, 500 से 1500 तक के रूम, 500 से 1500 तक। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही रेंज बता दिया कि बस स्टैंड के बिल्कुल पास में। लोकेशन बहुत ही अच्छी है, मेरे को भी अच्छी लगी इसलिए मैं यहाँ पे रुका। और स्टाफ बहुत अच्छा है, सब कोऑपरेटिव है और अच्छा एक साफ़ सुथरा क्लीन जो है इन्वायरमेंट यहाँ पर है। और हर वो चीज़ मिल जाती है। और क्या क्या देते हैं इसके साथ में? सुविधा जो मतलब नॉर्मली मिलती है वो सब दे देते हो। और खाने वगैरह के लिए खाने का चार्ज होता है लेकिन वो मिल जाता है, सर्विस दे देते हो जो भी चाहिए, टी कॉफ़ी ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी चाहिए वो मिल जाता है। उसका प्राइस अलग हो तो होता ही है, ठीक है। बीच की लोकेशन है, रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर है, बस स्टैंड के 10 पीछे है और एयरपोर्ट से 23 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से 23 किलोमीटर दूर है, बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही है और रेलवे स्टेशन से आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत ही अच्छा लोकेशन है, तो आप ट्राई कर सकते हैं कभी यहाँ आए तो। बाकी यहाँ का हिसाब किताब देख लीजिए, मैं आपको रूम भी दिखा देता हूँ मेरा। और आइए अभी मैं आपको मेरा रूम दिखा देता हूँ। ये 204 नंबर रूम है और यदि हम रूम की बात करें तो बिल्कुल साफ़ सुथरा। मेरा सामान यहाँ पर सब तरफ रखा हुआ है। ये बेड है, यहाँ कुर्सी भी है, टेबल है, यहाँ मेरा बैग रखा है, एसी लगा हुआ है। इधर आप बात करें तो टीवी है, फैन भी है और अटैच बाथरूम है। और इधर बात करें तो ये शीशा लगा है, ऊपर भी अलमीरा है, इधर भी स्पेस है बहुत सारा। और टेलीफोन लगा हुआ है, सर्विस के लिए आप कॉल करेंगे तो हमें सर्विस मिल सकती है। और बाथरूम आपको दिखा देता हूँ, ये अटैच बाथरूम है, साफ़ सुथरा क्लीन है।
हर चीज़ यहाँ पर ये मैंने फील किया है। अच्छा एक होटल है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। कैसा लगा अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप उदयपुर आते हैं या आपका कोई भी साथी आने वाला है तो उसे ज़रूर शेयर करें। एक अच्छी लोकेशन और एक अच्छा होटल हमें यहाँ मिल सकता है। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।